मायसेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में मैं बताऊं कि इसमें हम लोग देखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट है उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे, इन प्लांट्स के अंदर में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रेजेंट होता है। मींस ये ग्लूकोज जो प्लांट्स के अंदर है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, सेल्यूलोज में। तो अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में बात करें कि जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है और ये जो हमारे ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में स्टोर रहते हैं, ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे प्लांट्स के अंदर या तो स्टार्च के फॉर्म में रहता है या फिर सेल्यूलोज के फॉर्म में रहता है। तो जो सेल्यूलोज होता है वही हमारा प्लांट के अंदर कन्वर्टेड फॉर्म है। मतलब जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है वो या तो कन्वर्ट होता है स्टार्च के फॉर्म में या फिर कन्वर्ट होता है सेल्यूलोज के फॉर्म में। तो ये हमने कार्बोहाइड्रेट की बात करी इन द प्लांट। अब हम लोग देखेंगे इन द एनिमल्स। ठीक है, इन द एनिमल्स में आता है कि एनिमल के अंदर फैट के फॉर्म में प्लस प्रोटीन के फॉर्म में जो कि कन्वर्ट होते हैं। अगर एनिमल्स के अंदर अगर फैट और प्रोटीन है तो ये भी कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। मींस जो फैट और हमारे प्रोटीन्स होते हैं वो भी कन्वर्ट करते हैं किसको, कार्बोहाइड्रेट्स को, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मतलब है कि कौन कौन से टाइप्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होते हैं। क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट डिवाइड हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट हैं हमारे वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स में, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में और डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में। तो वही बेसिस के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट जो है वो डिवाइड है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो ये सारे जो अलग अलग टाइप्स हैं मोनो, डाय, ट्राय, ऑलिगो। तो जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसके एग्जाम्पल हैं इरिथ्रोज, राइबोज, ग्लूकोज। डाइसैकेराइड्स मीन्स जिसके अंदर दो शुगर मोइटी प्रेजेंट होती हो या फिर उसका ब्रेकडाउन पे वो दो शुगर मोइटी रिलीज करता हो तो उसको डाई बोलेंगे। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब दो। ऑलिगो के अंदर मींस ऑलिगो मतलब बहुत सारे, मोर देन टू थ्री। अगर हम लोग पॉलीसेक्रेट्स की बात करें तो पॉलीसेक्रेट्स जो होते हैं उसके एग्जाम्पल हैं हमारे स्टार्च और सेल्यूलोज। ये पॉलीसेक्राइड्स जनरली हमारे प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और ये पॉलीसेक्राइड्स का काम क्या होता है कि ये पॉलीसेक्राइड्स जो है ये मेड अप ऑफ होते हैं, एक बोलना चाहिए कि ये मेड अप होते हैं बहुत सारे ग्लूकोज की मोइटी से, राइट। तो ये कोई सिंपल मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक तरीके से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है जिसका फॉर्मेशन बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से होता है, राइट। तो ये हमारा है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि बॉडी के अंदर हम लोग अगर स्टार्च खाते हैं तो वो कहाँ कहाँ हम लोग का जाता है, स्टोमक में, लीवर में, गॉल ब्लैडर में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और सेल्यूलोज जो होता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अगर हम लोग माउथ के बारे में बात करें, अगर मुंह के अंदर हमारे पॉलीसेक्राइड्स है तो
तो सबसे पहले अगर आप कोई खाना खाते हैं तो सबसे पहले मुंह के अंदर हमारा जो इंजाइम होता है वो स्लाइवरी होता है, ठीक है। तो वो स्लाइवरी एमाइलेज जो इंजाइम होता है, जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं मुंह के अंदर हमारे खाने को ब्रेक डाउन करता है, वहाँ पे जो इंजाइम रहता है हमारा स्लाइवरी एमाइलेज रहता है, इसका काम क्या होता है, पॉलीसेक्राइड्स को तोड़ना, राइट। किस में तोड़ेगा ये, डेक्सट्रिन में तोड़ेगा, माल्टोज में तोड़ेगा, ग्लूकोज में तोड़ेगा। मीन्स जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है पॉलीसेक्राइड्स का, वो हमारा किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, डेक्सट्रिन में ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखने का है। उसके बाद हमारा जो डेक्सट्रिन है वो स्टोमक में आके इंटेस्टाइन में गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर हमारा ब्लड स्ट्रीम के अंदर हमारा सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे कन्वर्ट होते हैं किसमें, अपने अलग अलग फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में। तो ये आपका है कि बॉडी के अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो जो ग्लूकोज है वो इंटेस्टाइनल सेल के अंदर किस तरीके से बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होता है, ये उसके बारे में बताया है कि इनका ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है। अब हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस, जो हमारी साइकिल होती है, इसको हम लोग एम्बेडन मेयर्स ऑफ पाथवे भी बोलते हैं। इसके थ्रू हमारा मेटाबॉलिज्म होता है। ऑल सेल ऑफ बॉडी, सारी सेल्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है ये हमारा साइकिल चलता है। मतलब ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एरिथ्रोसाइट्स, सेवरल बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके अंदर, और ये दोनों कंडीशन में रन करता है, एरोबिक और एनारोबिक, कोई भी कंडीशंस हो कि दोनों कंडीशन में क्या होता है, रन करता है। उसके बाद अगर हम लोग ग्लाइकोलिसिस साइकिल को डिस्क्राइब में देखें तो ये साइकिल के अंदर पहला जो हमारा फेस आता है, कुछ स्टेप्स तक हमको इस साइकिल के अंदर एनर्जी देना पड़ती है, इसलिए हम वो स्टेप को बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। जिस फेज के अंदर हमको एनर्जी देना पड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज। फिर दूसरे फेज में स्क्रीन पे लिखा हुआ है एनर्जी जनरेटिंग फेज। एक फेज में हमको पूरा उसको एनर्जी देना है और दूसरे फेज में हमको एनर्जी उससे मिलता है, ठीक है, जो कि हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज से हमको एनर्जी चाहिए तो हमको उसको पहले ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ऐसे समझिए। ब्रेक डाउन करने के लिए हमको उसको एनर्जी देना पड़ेगा। तो जहाँ तक हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिस फेज तक, वो हमारा एनर्जी गिविंग फेज है, और जहाँ से हमको फिर एनर्जी मिलना चालू हो जाती वो हमारा एनर्जी जनरेटिंग फेस है। तो इस तरीके से हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हम लोग एनर्जी ऑप्टेन करते हैं। अब ये फेस में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से हमको एनर्जी मिलती है। तो ये सब आप लोग देखे हुए हो कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल में जो ग्लूकोज है वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, दोनों फेज में ये रिएक्शंस चलती है। जहाँ तक हम उसको एनर्जी देंगे वो हमारा एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज है, मतलब हम एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है वो हमारा एनर्जी जनरेटिंग फेज है। राइट एरो में दिख रहा है कि वो जो राइट सर्किल है वो आप वहाँ पर आपको ATPs मिल रहे हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये याद में रखना है कि कौन से स्टेप्स में हमको ATPs ऑप्टेन हो रहे हैं, या हमेशा पूछते हैं कि कौन से फेस में हमको ATPs मिल रहा है, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइकिल किस तरीके से होता है। तो रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस साइकिल का मतलब होता है कि किस तरीके से ग्लूकोज हमारे बॉडी में रेगुलेट हो रहा है। तो ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे किस तरीके से हमारी बॉडी उसको रेगुलेट करती है।
अभी हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअली ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के थ्रू किस तरीके से हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ग्लाइकोलाइसिस साइकिल की बात करें, पहला जो हमारा है इन्वेस्टमेंट वाला फेज, उस फेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज को हम लोग कन्वर्ट कर, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में, ठीक है, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो रहा है। इसमें हम लोग एटीपीस को दे रहे हैं, मतलब ये स्टेप में हम एटीपी एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये फेस आपको याद रखना है कि ये फेस में हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, ये हमारा फेस नंबर वन है, ठीक है। ये किसी न किसी इंजाइम्स की प्रेजेंस में होता है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है हमारा, इस स्टेप में जो ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में, यह हमारा सेकंड नंबर का फेस है। और जो फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट है यहाँ पे भी हम लोग इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में। अब यहाँ पे जो हमारा फोर्थ नंबर पे जो इंजाइम है, ये इंजाइम की प्रेजेंस में हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। किस किस में होगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में और दूसरा ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। तो जब हम लोग इसके ऊपर फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट के ऊपर एल्डोलेज इंजाइम का प्रेजेंस कराते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है टू इक्वल पार्ट्स में। तो हमको दो पाथ मिलते हैं यहाँ से। पहला पाथ जो है वो हमारा है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और दूसरा जो पाथ है वो हमारा है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। तो ये दो हमारे डिफरेंट पाथ हैं। इसको अगर हम लोग इंडिविजुअल अगर देखें, अगर सिंगल पाथ को, तो ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में। ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, और ये यहाँ पे से क्या होना चालू हो जाएगा, हमारे एटीपीज का निकलना चालू हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस फेज को बोलते हैं एनर्जी जनरेटिंग फेज। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वो स्टेप है जहाँ पे एनर्जी निकलना चालू हो गया है। 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। ये स्टेप में क्या होगा, हमारी जो एटीपी है वो बॉडी से बाहर निकलना चालू हो जाएगी। उसके बाद जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, राइट। इसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पाइरोवेट में। अब जब लास्ट स्टेप जो हमारा है फॉस्फोफिनोल पाइरोवेट, ये फॉस्फोफिनोल पाइरोवेट कन्वर्ट होगा किसमें, पाइरोवेट में। तो ये जो स्टेप है, इस स्टेप के बीच में, इस स्टेप की ड्यूरेशन में हमारा क्या रिलीज होगा, एटीपी रिलीज होगा। मीन्स ये हमारा स्टेप है, इस स्टेप में हमको क्या क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा। तो हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि ये स्टेप जो है ये हमारा एनर्जी जनरेटिंग स्टेप है, ये फेस पे हम लोग को एनर्जी मिलेगी। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं कि कौन सा फेस है जिस फेस में हमको एनर्जी ऑप्टेन होती है। तो आपको बताना है कि जो हमारा फेस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बाद वाला जो फेस है, ये हमारा फेस एनर्जी जनरेटिंग फेस है। इस फेस के अंदर हमको एनर्जी ऑप्टेन होती है। तो हमने आज देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारा, उसका मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि
प्लांट्स के अंदर किस फॉर्म में रहते हैं, एनिमल्स के अंदर किस फॉर्म में रहते हैं, बॉडी में किस किस फॉर्म में ये कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है वो किस तरीके से बॉडी के अंदर रन करती है। थैंक यू।